मैसेज क्या है, कहता है पहले नाम नहीं था, नल था, कुछ भी नहीं था, अब क्या हो गया। मैंने आपको कहा था जैसे ही आप किसी स्विच के ऊपर इसको इनेबल करते हैं ना तो वीटीपी एक्टिवेट हो जाता है और ये अपडेट रिसीव और सेंड करने के काबिल हो जाता है। अब स्विच बी ने ना शुरू कर दी अपनी वीटीपी अपडेट भेजना। आप कहेंगे सर इसके पास है ही क्या जो ये भेज रहा होगा, जनाब वो डिफॉल्ट व्हील नहीं बने होंगे, ग्लोबल कैटलॉग उसका नाम रखा है, ये भी इसकी अपडेट में आता है, इसने अपनी अपनी अपडेट भेजना शुरू कर दी है। सवाल सर जिस तरह आप कहते थे राउटिंग प्रोटोकॉल कोई ब्रॉडकास्ट करता है, कोई मल्टीकास्ट करता है, कोई यूनिकास्ट करता होगा, ये क्या करता है? वीटीपी अपनी अपडेट्स को मल्टीकास्ट करता है, ये प्रोटोकॉल है ना, ग्रुप है, तो वीटीपी अपनी अपडेट को मल्टीकास्ट करता है और उसके लिए ये मल्टीकास्ट आईपी नहीं यूज करता बल्कि मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज करता है। एक रिजर्व्ड मैक एड्रेस है, एक रिजर्व्ड मैक एड्रेस, मैक याद नहीं रहते इसलिए वो आप किसी डॉक्यूमेंट से या किसी और जगह से गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा, वीटीपी मैक एड्रेस गूगल पे लिखिएगा, वीटीपी मैक एड्रेस आपको इसका मैक नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक रिजर्व्ड मैक एड्रेस होता है मल्टीकास्ट, उसके ऊपर ये भेजना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, अपना एक नया अपनी अपडेट को उसमें सेंड करेंगे। अब जहां जहां वीटीपी एनेबल होगा वो उसको रिसीव करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके अच्छा स्विच बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन है तो वो देखेंगे कि वो हमारे ए और सी। पता है इसने क्या किया होगा, मैं आपको मजे की चीज बताता हूं, इसने अपडेट इधर भी भेजी, इसने अपडेट इधर भी भेजी, अब वो बेचारे दोनों ना बड़े अजीब सी हालत में थे, वो किसी भी डोमेन में नहीं थे। तो कितने ऐसा स्विच जो किसी भी डोमेन में ना हो वो फिर इंतजार कर रहा होता है कि मैं मुझे कोई ऑफर करे और मैं उसके साथ मिल जाऊं, सीडीसी या न्यूट्री। अब जब बी ने अपडेट ए और सी को भेजी तो ए ने कहा भाई मैं तो फिलहाल किसी डोमेन में नहीं हूँ, तो ये मुझे एक अपडेट आई है फ्रॉम स्विच बी और उसमें डोमेन नेम लिखा हुआ है सीसीएनए, तो हम एक काम करते हैं हम सीसीएनए को ज्वाइन कर लेते हैं। आप एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन करते समय जब विजार्ड रन होता है तो इसका मतलब ये हुआ मुझे ए और सी के ऊपर डोमेन बतानी भी नहीं पड़ेगी, जाके मैंने सिर्फ कन्फिगर किया बी पे, उसने अपडेट सेंड की और वो पहले अगर वो पहले से किसी डोमेन में होते तो मेरी इस रिक्वेस्ट को इस अपडेट को डिस्कार्ड कर देते, लेकिन ऐसा स्विच जो किसी डोमेन में ना हो और उसको कहीं से वीटीपी की अपडेट आ जाए तो उसे ज्वाइन कर लेता है। मैंने सिर्फ डोमेन कॉन्फ़िगर किया बी पे, ए और सी उसमें शामिल हो गए, आप ये सब साबित करें। कितने और डोमेन कंट्रोलर वीटीपी को वेरीफाई करने का तरीका का ये होता है, इसकी कमांड सिर्फ एक ही कमांड है जी वीटीपी में और वो है शो वीटीपी स्टेटस, शो वीटीपी स्टेटस, आप एंटर करते हैं क्या नजर आ रहा है और अपने मोड क्या है, अदर डोमेन कंट्रोल मोड बाय डिफॉल्ट सर्वर है, नाम मैं देख किस पे रहूं, इस पे तो मैंने कॉन्फ़िगर किया था, इस पे तो नजर आना ही आना था। नेक्स्ट है आपका जाके पूछते ए से जी मेरा प्राइमरी डोमेन क्या पूछते हैं, शो वीटीपी स्टेटस बैकअप बनाना है By default server और नाम यानी आपको अच्छा ये इस पे मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये बी की वजह से हुआ है। अगर इसके ऊपर पहले कोई नाम होता सीसीएनपी दोनों में डिफरेंस क्या है तो ये फिर सीसीएनपी में रहता है, डिस्कार्ड ना करता, यानी जो 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 किसी डोमेन का हिस्सा नहीं होता ना वो स्विच बेचारा बड़ा सेंसिटिव होता है, आपके प्राइमरी डोमेन उसको कहीं से भी ऑफर पहले आ जाए उसका हिस्सा बन जाता है। अच्छा सवाल आप कहें सर क्या अब मैं इसका मोड सीसीएनपी कर सकता हूँ, यस आप वीटीपी डोमेन सीसीएनपी की कमांड दें कि सीसीएनपी वाली डोमेन में चला जाए, कि ये प्राइमरी आप कहेंगे सर फिर ये सीसीएनए वाले को भी तो अपडेट भेजेगा, भेजेगा लेकिन वो डिस्कार्ड कर देगा, सीसीएनए वाला दोबारा इसको अपडेट भेजेगा, भेजेगा लेकिन ये डिस्कार्ड कर देगा मेरा प्राइमरी डोमेन क्योंकि क्योंकि वो सीसीएनए में और ये एनपी में है तो एडीसी के पास ऑथराइजेशन है, लेकिन अगर एक तरफ डोमेन नेम है और दूसरी तरफ नहीं है तो क्या होता है, ज्वाइन कर लेते हैं और तो इसी तरह इसने भी ज्वाइन कर लिया होगा, डोमेन कंट्रोलर को अपग्रेड करना है या कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम है जिसके कारण कुछ टाइम के लिए मैंने तो नहीं नाम रखा डोमेन कंट्रोलर को डाउन करना है तो आप जो है रोल ट्रांसफर कर दीजिए एडीसी, ये इसका आसान तरीका अगर ये बिगड़ ये शुरुआत के लिए जब कोई भी जिस पर नाम कॉन्फ़िगर करना बड़ी आसानी होती है, लेकिन अगर बदलने पड़ जाए किसी की डोमेन चेंज करनी है वो बड़ा मुश्किल है, उसमें आपको फिर एक एक करके सारे स्विचेस पे चेंज करना पड़ेगा, यानी डीसी को एडीसी और एडीसी को डीसी, ऑलरेडी अगर कोई डोमेन में है ना उसकी डोमेन बदलना मुश्किल काम है, सबकी बदलनी पड़ती है, लेकिन ये शुरू में बड़ा आसान होता है, अगर कोई भी किसी डोमेन का हिस्सा नहीं है ना तो आप किसी एक पे जाकर कॉन्फ़िगर कर दे वो अपडेट भेजता बाकी ज्वाइन कर लेते हैं, आसान तरीका है। तो
डोमेन कॉन्फ़िगर हो गई। देखो इतनी लंबी बातें कर रहा था मैं इतने दिन तक वीटीवी और निकला भी वीटीवी डोमेन एक कमांड खुद अपने आप को कभी भी डीबी। अब मोड आपने देखा, इधर सर्वर है, इधर सर्वर है, इधर भी सर्वर है। मैंने आपको कहा था ए और जो सी है ये क्लाइंट होना चाहिए, अब उसको आपको जाके करना पड़ेगा। मैंने अभी कहा है वीटीवी की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है कहाँ होती है, ग्लोबल मोड में। मैं वीटीपी इधर आया ग्लोबल मोड में, मैंने कहा वीटीपी मोड डीसी में ट्रांसफर कर ले, आरओडीसी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वीटीपी मोड जाए, यानी इसी तरह एक से सी पे जाऊंगा, रीड कर सकता है उस डेटाबेस को और यूज क्या कमांड दूं वीटीपी मोड नेक्स्ट। अब ए और सी के ऊपर आप वीलैन बना नहीं सकते, वीलैन बन सकते सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर है इसके ब्रांच ऑफिस बी, तो ब्रांच ऑफिस जो हम खोलते हैं वीटीपी जब ये लो जी कॉन्फ़िगर हो गए चाइल्ड डोमेन, ये देख ले वीटीपी मोड अगर आपने देखना हो ना वीटीपी मोड आगे क्वेश्चन मार्क करें तो तीनों नजर आ रहे हैं क्लाइंट सर्वर और ट्रांसमिटर जो रख रहे हैं वैसे रख जो मैंने आपको डोमेन हमने क्लाइंट रखना था पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि फॉरेस्ट वाइड रोल दो जिसका सर्वर बाय डिफॉल्ट तीन होते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद CRID इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्वर है उस पे जाऊंगा के लिए यूज होते हैं, तो CDC तीन में से दो काम हो गए, डोमेन वाइड रोल होता है जिससे ये रंग बन गया को मैनेज करता है, VTP कॉन्फिगर हो गया। अब इसके अब VLAN बनाने बात करें क्योंकि ये हमारे VLAN बनाने के लिए सबसे पहले वेरिफिकेशन, तो ये हमारे प्राइमरी डोमेन बी की करंट सिचुएशन क्या है, मान लीजिए इसकी इस वक्त VLAN डेटाबेस कैसी है जो डिफॉल्ट ही होगी जा रहा है, मैंने तो नहीं ना बनाए हुए, इसमें वो VLAN होंगे जो फैक्ट्री से बन गए हुए, ये मुझे वो सिचुएशन दिखाएगा जब इसकी डिफॉल्ट सिचुएशन है। मैं कमांड देता हूँ जी शो VLAN के लिए, सिंपल कमांड है, तो ये उसी तरह जिस तरह आप स्वाइप ही राउट करते हैं तो राउटिंग टेबल नजर आता है, शो VLAN करते हैं तो VLAN डेटाबेस नजर आती है। एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद ये देखिएगा ये टेबल बने हुए हैं, इसमें यहाँ पे VLAN के नंबर्स होते हैं और यहाँ नीचे नेम होते हैं, ये इसका नाम है और ये वो है जो मैं जिनका जिक्र कर रहा था जो डिफॉल्ट बने होते हैं ओल्ड पुराने ऑब्सोलीटेड टेक्नोलॉजीज के लिए। आप सिर्फ इथरनेट के लिए अगर देखते हैं तो सिर्फ ये पोर्शन है, लेकिन बाहर से दिखाई दे नोट करने की चीज है, कहता है VLAN वन में देख रहे हैं सारी पोर्ट इसका मेंबर है, डोमेन कंट्रोलर जो आप ले रहे हो इसीलिए तो वो एक्सेस होती है, लेकिन आप गौर करें इसमें कुछ पोर्ट्स मिसिंग है, चौथी के बाद देखें जरा पांचवी और छठी गायब है, क्यों, क्योंकि वो ट्रंक है, जो वो ट्रंक होती है वो किसी VLAN का मेंबर, ट्रंक बनने से पहले वो इसका मेंबर थी, अब नहीं RID इंफ्रास्ट्रक्चर। जी अब आप अपनी डायग्राम के मुताबिक ये जो आपने इधर सोचा हुआ है, आपने कितने VLAN बनाने हैं, 300 200 और 100 का नाम रखना IT 200 का HR और 300 का अकाउंट, तो ये कहाँ बनेंगे, जाहिर है स्विच बी पे बनेंगे जो सर्वर है, बाकियों पे आप बनाने की कोशिश करेंगे वो डिनाई कर देगा, वो कहेगा जी ये क्लाइंट भी नहीं बन सकते अलग है, ये उसका ब्रांच ऑफिस नहीं। अब देखें जी VLAN बनता कैसे, बड़े दिनों से सुन रहे हैं VLAN डिफाइन होता है, फॉलो नहीं करता है, पोर्ट मेंबर बन जाती है उसका, में देखा VLAN 100 लो जी VLAN 100 बन गया, वैसे ही हमारे अगर हम इसकी बात कर ले ठीक है नहीं है तो हम अब नाम देना मैंने कहा ऑप्शनल है, देना तो दे दे नहीं देना है आपकी मर्जी, नाम देना तो फिर यहाँ पे कमांड है नेम IT सोचा मैंने जी इसका नाम को फॉलो कर रहा था ये CDC इसका नाम भी कॉन्फ़िगर, लेकिन अगर हम EDC जो कहते हैं ना VLAN को एडिट करना है तो एडिटिंग में सिर्फ यही चीज आती है आप उसका नाम बदल सकते हैं, फिलहाल और ये ABC को फॉलो, आपने VLAN 100 बनाया तो हमने नाम IT रख दिया, एक VLAN बन गया विद नेम VLAN 200 बन गया, नाम इसका क्या रखना है HR, नाम के साथ VLAN 200 भी डिफाइन हो गया, एग्जिट VLAN 300 नेम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड न्यू ट्री एक हमारा नाम के साथ EDC नाम के साथ तीसरा भी बन गया तरीका।